गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वेट भाई का ज्ञान। आज हम वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक पेपर वन सॉल्व करेंगे। ये लास्ट ईयर ही आया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, सुपर फेकेंडेशन इज मोर कॉमन इन, ये किस में कॉमन होता है? बीच में, क्योंकि बीच का जो स्ट्रेस पीरियड होता है वो 9 दिन का होता है। इसमें काफी टाइम ओवुलेट करती है और कॉपुलेट करती है। इन काउ मेटेस्ट्रल ब्लीडिंग इज एसोसिएटेड विद विथड्रॉल ऑफ विच हॉर्मोन। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, तो क्योंकि मेटेस्ट्रस में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ना शुरू होता है और एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, तो एस्ट्रोजन के विथड्रॉल से मेटेस्ट्रल ब्लीडिंग होती है। फिर है यूट्रस ऑफ साउ इज विच टाइप, तो ये कौन से टाइप का होता है? बाइकोनोएट। इसमें क्या है, यूट्राइन बॉडी छोटी होती है और यूट्राइन हॉर्न कंपेरेटिवली लॉन्गर होते हैं, और मेयर में ये बायपार्टाइट होता है। फिर यूट्रस, अगला है पोटेटो सूप बायोमेट्रा और पोस्ट सर्विस बायोमेट्रा इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच इन्फेक्शन, तो ये ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन में होता है। फिर है सूडो प्रेगनेंसी विच इज ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हॉर्मोन, क्योंकि सीरम में प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है जो कि स्टिमुलेट करता है प्रोलैक्टिन की सिंथेसिस को। फिर है ए सीरस फ्लूइड एक्युमुलेशन इन यूट्रस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? हाइड्रोमेट्रा। फिर है द सीएल परसिस्ट थ्रू आउट प्रेगनेंसी इन ऑल फॉर्म एनिमल एक्सेप्ट मेयर, क्योंकि उसमें लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी प्लासेंट इज मेजर सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन, आप देखते हो। फिर है एज ए टेस्ट इन मेयर व्हाट सैंपल इज टेकन फॉर पीडी, तो एज ए टेस्ट एक बायोलॉजिकल मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, हम मेयर का ब्लड लेते हैं और उसमें फिर सीरम सेपरेट करते हैं, तो जो सीरम होता है वही हम सैंपल के रूप में लेते हैं। फिर है द रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस लूटिया बिगिन बाय विच डे इन कैटल, तो 21 डे का साइकिल होता है, तो 5th डे से स्टार्ट होता बनना और मैक्सिमम होता है 15 डे पर, उसके बाद ही रिग्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। फिर अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ प्रेगनेंसी डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन विच फिनोमिना, तो ये पल्स इको फिनोमिना या फिर डॉपलर फिनोमिना है। फिर इकोलाई लिपोपॉलीसेक्राइड इज इम्यून मॉड्यूलेटर इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट, तो एंडोमेट्राइटिस के लिए यूज में लिया जाता है। ये लिपोपॉलीसेक्राइड ये एक तरह का एंडोटॉक्सिन है जो कि बैक्टीरिया डाई होने पर निकलता है। ये इम्यूनोमॉड्यूलेशन होता गया है, ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन को ठीक करने में यूज लिया जाता है। ये WBC को मॉड्यूलेट करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा WBC आए और इन्फेक्शन ठीक हो। फिर है बीच मेटिंग विद डिफरेंट मेल्स ड्यूरिंग सेम स्ट्रेस पीरियड हैविंग लिटर रिजेंबल ईच मेल इज टर्म्ड एज, ये वापस सुपर फेकेंडेशन, हमारा जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स था वही है। फिर है इन हिपर फर्स्ट इज इंडिकेशन ऑफ अटेंडमेंट ऑफ प्यूबर्टी, तो फर्स्ट स्ट्रेस साइन या फर्स्ट ओवुलेशन ही होता है इंडिकेशन। आप प्यूबर्टी की डेफिनेशन भी आपको पता होगा, इन केस ऑफ फीमेल द फर्स्ट स्ट्रेस इज द विजिबल साइन फॉर अटेंडमेंट ऑफ प्यूबर्टी। फिर है फ्रंट पैटर्न ऑफ सर्वाइकल म्यूकस इज एसोसिएटेड विद हाई कंटेंट ऑफ क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम आल्सो पर मोस्टली क्लोराइड। की हार्मोन ऑफ मेंटेनिंग प्रेगनेंसी इज प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि ये डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम में भी यूज होता है, प्रिवेंशन ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, डेवलपमेंट ऑफ प्री इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एलुलाई एंड लोब्यूल्स ऑफ मेमरी ग्लैंड। फिर है ड्यूरेशन ऑफ एस्ट्रस साइकिल इन काउ इज 21 डेज। फिर 100 डे ब्रीडर क्या होता है, आप ये भी देख सकते हो एस्ट्रस साइकिल अलग अलग एनिमल में कितना कितना है। काउ में 21 डे, बफेलो में 21 डे, मेयर में 21 डे, ईयू में 16.5 डे, डॉय में 20 डे और साउ में 21 डे। तो 100 डे ब्रीडर मतलब सीप में होता है ये, 100 डे मतलब जब दिन शॉर्ट हो, ये कब देखने को मिलता है विंटर सीजन में, तो सीप उसी टाइम हीट में आती है। और लॉन्ग डे ब्रीडर भी समझ लो, ये मेयर में देखने को मिलता है गर्मियों के दिनों में जब दिन बड़े होते हैं। फिर डेथ ऑफ एम्ब्रियो बिफोर
इज कॉल्ड अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। ये वेरी करता है 27 to 45 डे। एक होता है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ मोर्टिलिटी, ये फर्टिलाइजेशन टू डे 27 के पीरियड को कहते हैं, और लेट एम्ब्रियोनिक मोर्टिलिटी डे 28 to 42 डे। फिर लैंडमार्क ड्यूरिंग पर रेक्टल पाल्पेशन ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन इन सर्विक्स, और मेयर की बात करें तो ओवरी होती है। फिर है व्हेन फर्टिलाइजेशन इज कैरियड आउट बाय मोर देन वन स्पर्म इट इज कॉल्ड पॉलीस्पर्मी। ये मेनली पिक्स में देखने को मिलती है डोमेस्टिक एनिमल में। वैसे फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी इज कॉमन इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। फिर अब एमसीक्यू की बात करते हैं। प्रोस्ट्रस ब्लीडिंग इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किस में देखने को मिलती है, बिच में, और मेडिस्ट्रल ब्लीडिंग थी काउ में। बिच में ये क्यों देखने को मिलता है, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। फिर है इन ट्राइकोमोनाड पायोमेट्रा द कैरेक्टरिस्टिक ऑपस इज थिन ग्रेस फ्लोकुलेंट। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्यूनो मॉड्यूलेटर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। ये सारे ऑप्शन है, इकोलाई भी लिपोपोलीसेकेराइड भी होता है, ओएस्टर ग्लाइकोजन भी होता है, लिकोटिन B4 भी होता है, इसके अलावा ऑटोलोगस प्लाज्मा भी होती है, ठीक है। फिर है द फैक्टर सिक्रेटेड बाय ओवाइन कॉन्सेप्टर्स फॉर रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी इज, तो इसका आंसर है इंटरफेरॉन टाउ। क्या होता है ये, ओवाइन ट्रोपोब्लास्ट प्रोटीन OTP1 या फिर ओवाइन इंटरफेरॉन टाउ। The EU conceptors synthesize and secrete an anti-luteolytic product between day 12 to 21 of pregnancy called OTP1 or interferon tau. The early embryonic death are observed in which of the following? तो हमें ये जो चार ऑप्शन है, चारों बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, देखते हैं चारों का। ब्रुसेलोसिस कब करता है, लास्ट ट्राइमेस्टर में। फिब्रियोसिस ये आप कह सकते हो थर्ड टू फोर्थ, मिड ट्राइमेस्टर कह सकते हो। फिर है सेकंड ट्राइमेस्टर। फिर है लेप्टोस्पायरोसिस, ये भी लास्ट ट्राइमेस्टर है, और लिस्टेरियोसिस का पता नहीं, मतलब इसकी लो वर्सन रेट होती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, अर्ली इन चारों में से कौन है, कैंपेलोबैक्टीरियोसिस, जो कि विब्रियोसिस भी कहते हैं हम। फिर है FSH और LH क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स। फिर है टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज ग्रेटली मॉडिफाइड बाय, ये सारे फैक्टर, जेनेटिक भी होगा, एनवायरमेंटल भी होगा, बॉडी वेट भी होगा। क्लाइमेट का देखें तो जो ट्रॉपिक रीजन में जल्दी प्यूबर्टी आएगी कंपेयर टू टेम्परेट क्लाइमेट, और बॉडी वेट तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही है। फिर स्विस चीज अपीयरेंस ऑफ यूट्रस एंड एडवांस विरिलिज्म आर एसोसिएटेड विद, तो ये सिस्टिक ओवरीज से रिलेटेड है। तो सिस्टिक ओवरी दो टाइप की होती है, फॉलिकुलर सिस्ट और ल्यूटियल सिस्ट। फॉलिकुलर सिस्ट में बुलर काउ, निम्फोमेनिया, स्टिलिटी हम, स्विस चीज अपीयरेंस ऑफ एंडोमेट्रियम ऑन हिस्टोलॉजिकल सेक्शन, और क्लिनिकल साइन ऑफ ल्यूटियल सिस्ट में विरिलिज्म एंड एनिस्ट्रस। विरिलिज्म मतलब एनिस्ट्रस, विरिलिज्म मतलब मैस्कुलिन बॉडी हो जाती है काफी। फिर अनफर्टिलाइज ओवम रिमेन फॉर मंथ इन ओविडक्ट ऑफ विच स्पीसीज, मेयर। बोवाइन पायोमेट्रा मोस्ट कॉमनली ड्यूरिंग, ये इसका आंसर होगा थर्ड, अर्ली पोस्ट पार्चुरेंट पीरियड में होता है। फिर साइन ऑफ प्रेगनेंसी इन काउ इज, ये सारे देख लेते कब कौन सा देखने को मिलता है, अमनियोटिक वेसल 30 to 65 डे, एसिमेट्री ऑफ यूट्राइन हॉर्न 35 to 90 डे, डबल मेम्ब्रेन स्लिप 35 to 90 डे, पाल्पेशन ऑफ फिटल बम 65 to 150 डे, प्लासेंटोम 70 डे टू आखिरी टर्म तक, फ्रीमिटस 90 डे से स्टार्ट होता है, फिटस उसकी मूवमेंट का 180 डे। फिर है एवरेज ड्यूरेशन ऑफ एस्ट्रस इन मेयर इज, तो इसकी 6 दिन होती है, काऊ के कंपैरिजन में इसका काफी ज्यादा होता है, रेंज होती है 4 से 7 दिन। फिर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूटियल सिस्ट इज PG2α प्रोस्टाग्लैंडिन। फिर इन काउ व्हेन ट्विन ऑफ डिफरेंट सेक्स ग्रो इन कॉमन एटलांटोकोरिन ड्यूरिंग इंट्रायूटराइन डेवलपमेंट द फीमेल इज यूजुअली स्टराइल एंड इज नोन एज फ्री मार्टिन। ये काफी ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, यह आप देख सकते हो डायग्राम में भी।
एज ऑफ प्यूबर्टी इन मेयर इज, तो ये 21 मंथ्स होती है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन बेस्ट लग रहा है। मेयर में 21 मंथ होती है, कैटल में 24 to 30 मंथ होती है, एक्सोटिक कैटल में कम होती है 18 to 24 मंथ, बफेलो में 30 मंथ के अप्रोक्स। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन इज यूज फॉर हीट सिंक्रोनाइजेशन या फिर स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन काउ। इसका आंसर है प्रोस्टाग्लैंडिन PGF2 अल्फा, ये आप देख सकते हो फोटो में भी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन इज यूज फॉर सुपर ओवुलेशन, तो FSH कॉमन यूज। सुपर ओवुलेशन को सुपर स्टिमुलेशन भी कहते हैं। ये काफी हॉर्मोन्स होते हैं जैसे PMSG प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनाडोट्रोपिन, FSH तो ही है, HMG वुमन मेनोपोजल गोनाडोट्रोपिन। फिर है इन विब्रियोसिस कार्डिनल साइन इज मिड अबॉर्शन, क्योंकि मिड अबॉर्शन विब्रियोसिस को क्या कहते हैं, कैंपाइलोबैक्टीरियोसिस पे कहते हैं। किससे होता है, कैंपाइलोबैक्टर फीटस से, और अबॉर्शन कब होता है, 3rd to 4th month यानी कि मिड ट्राइमेस्टर या फिर मिड अबॉर्शन भी कहते हैं। फिर है वन ऑफ द अबोंगेस्ट इज यूटिलाइटिक ड्रग इलेरिन, क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन है वो अलग है। जो फॉलिगोन है वो PMSG है, जो रिसेप्टाल और गाइनरेच है ये बुसरलिन है, मतलब GnRH। फिर सबमिशन रेट मल्टीप्लाई ओवरऑल प्रेगनेंसी रेट अपॉन 100 इज टर्म एज रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी। आप देख सकते हो सबमिशन रेट है, मतलब सबमिट को जमा कराना, क्या हमने एक टारगेट लिया है 21 दिन का, इसमें इतनी काउ और हिपर को हमने सर्विस कराई है और इतने में करानी थी, मल्टीप्लाई बाय ओवरऑल प्रेगनेंसी रेट अपॉन 100। फिर है डिफाइन अटेम्प्ट एनी 10 फॉलोइंग 12 क्वेश्चन। तो फर्स्ट डिफाइन है सीजनल पॉलीस्ट्रस। सीजनल पॉलीस्ट्रस का मतलब यही है कि साल में एक सीजन आता है उसमें काफी स्ट्रस साइन शो करती है, तो ये किस किस में देखने को मिलता है, मेयर जो कि समर सीजन में एक्टिव होती है, ईव बफेलो केट सारे सीजनल पॉलीस्ट्रस एनिमल है। फिर सर्विसाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स, ओवुलेशन, इसमें क्या होता है ग्राफिन फॉलिकल से, जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल उससे सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है। इनफर्टिलिटी क्या होती है, टेम्पररी इनेबिलिटी ऑफ एनिमल टू रिप्रोड्यूस। फॉलिकोजेनेसिस क्या होता है, ए प्रोसेस वेयर बाय इमेच्योर फॉलिकल डेवलप इन टू मोर एडवांस फॉलिकल, आप फोटो में भी देख सकते हो। फिर स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन, काफी अच्छी टर्म है ये, इसमें क्या होता है वी मैनिपुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ एक्सटर्नल हॉर्मोन थेरेपी सो दैट ग्रुप ऑफ फीमेल कैन ब्रेड ड्यूरिंग ए शॉर्ट प्री डिफाइंड इंटरवल विद नॉर्मल फर्टिलिटी। और रिपीट ब्रीडिंग क्या होती है, ए काउ और बफेलो विच हैव नॉर्मल और नियरली नॉर्मल स्ट्रेस साइकिल, उसका स्ट्रेस साइकिल नॉर्मल है और वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी करा चुका है 3 से 4 बार, लेकिन वो कंसीव नहीं हो पा रही है, बार बार फेल हो रही है कंसीव में, उसी को कहते हैं रिपीट ब्रीडर। साइलेंट हीट ये बफेलो में काफी कॉमन है, इसमें क्या होता है वेल मार्क बिहेवियर साइन नहीं दिखते हैं हीट के या स्ट्रेस के। फॉलिकुलर सिस्ट क्या होती है, ये वो सिस्ट है जो कि 10 से ज्यादा दिन परसिस्ट कर रही है और उसका फॉलिकल का साइज 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा है और करेक्टराइज बाय निम्फोमेनिया। मेल सूडो हर्मोफ्रोडाइट क्या है, ये वो है जिसके इंटरनल गोनेट्स तो टेस्टिस है लेकिन बाहर का जेनेटिक सिस्टम इनकम्प्लीटली डेवलप है और नियरली सिमिलर टू फीमेल। बायोमेट्रा एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन यूट्रस। CIDR क्या फुल फॉर्म है इसकी, कंट्रोल इंटरनल ड्रग रिलीज डिवाइस, ये स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन में यूज की जाती है। ये एक टी शेप की डिवाइस होती है विथ फ्लेक्सिबल आर्म और इसके अंदर क्या होता है 1.9 ग्राम प्रोजेस्टेरॉन जो कि वेजाइना में, हम हीपर की वेजाइना में रखते हैं, ये आप डायग्राम में देख सकते हो ऐसा दिखता है ये CIDR।
अब शॉर्ट नोट की बात करें, व्हाइट हीफर डिजीज, इसमें क्या होता है, ड्यू टू अरेस्टेड डेवलपमेंट ऑफ मुलेरियन डक्ट सिस्टम जो कि फीमेल जेनिटल सिस्टम को बनाती है, इसमें क्या होता है, यूट्रस और वेजाइन आर इनकम्प्लीटली डेवलप बट ओवरी एंड वल्वा आर ऑलवेज नॉर्मल। मतलब जो मोस्ट इनसाइड और आउटसाइड ऑर्गन ओवरीज एंड वल्वा हमेशा नॉर्मल होंगे, लेकिन जो बीच के यूट्रस और वेजाइना ये इनकम्प्लीट डेवलप होते हैं, और ये मोस्ट कॉमनली वाइट शॉर्ट हॉर्न हीपर में देखने को मिलती है। और ये सेक्स लिंक रिसेसिव जीन किससे लिंक होता है, वाइट कोट कलर, इसी कारण इसको वाइट हीपर डिजीज कहते हैं। फिर सूडो प्रेगनेंसी इन बिच, तो ये क्या होता है, ये नॉन प्रेग्नेंट बिच में देखने को मिलता है, ये 6 to 12 वीक्स आफ्टर स्ट्रेस, और कैरेक्टराइज बाय नेस्टिंग, वेट गेन, मेमोरी एनलार्जमेंट, मदरिंग, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, लैक्टेशन। और ये फिजियोलॉजिकली ऑल नॉन प्रेग्नेंट बिचेज आर स्यूडो प्रेग्नेंट। और ये क्यों होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से होता है। स्यूडो प्रेगनेंसी के सिनोनिम पता होने चाहिए, कोवर्ट स्यूडो प्रेगनेंसी, ओवर्ट, नर्वस लैक्टेशन सिंड्रोम, स्यूडोसाइसिस। फिर वाइट साइड टेस्ट, इसमें क्या करते हैं, 1 ml हम सर्वाइकल म्यूकस लेते हैं स्टरलाइज टेस्ट ट्यूब में, उसमें हम 1 ml 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिलाते हैं, फिर उस मिक्सचर को हीट करते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन क्या है, अगर डार्क कलर आ रहा है तो क्लिनिकल मेट्राइटिस, सिंपल येलो कलर आ रहा तो सब क्लिनिकल मेट्राइटिस, और नो कलर मतलब नॉर्मल। फिर ल्यूटियल सिस्ट, ये एक एनोवुलेटरी फॉलिकल आवर 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर दैट पार्शियली ल्यूटिनाइज एंड परसिस्ट फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड एंड यूजुअली कैरेक्टराइज बाय एनस्ट्रस एंड विरिलिज्म। ये जनरली सिंगल होता है ओवरी, वन ओवरी पे, ये थिक वॉल्ड होता है ड्यू टू पार्शियल ल्यूटिलाइजेशन बट सॉफ्ट, बट ल्यूटिनाइज टिश्यू गिव लिटिल हार्ड फीलिंग, persist for month or longer, difficult to rupture as compared to follicular cyst, and fluid is usually amber or dark yellow or brown in color. फिर सुपर फेकेंडेशन, ये इस पेपर का तीसरा क्वेश्चन है, दो फिलअप्स इसके ऑलरेडी आ चुके हैं, ये बीच में देखने को मिलता है, आपको पता ही इसका जो बीच का स्ट्रेस पीरियड 9 दिन का होता है, तो उस समय दौरान मल्टीपल ओवुलेशन करती है, मल्टीपल कोपुलेशन करती है। फिर एस्टर डिटेक्शन एट, विजुअल ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं, हीट एक्सपेक्टेशन चार्ट, टीजर बुल, एक्टिविटी मॉनिटर लाइक पीडोमीटर, क्लोज सर्किट टीवी विद वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम, माउंट डिटेक्शन एट लाइक कामर, एस्ट्रोटेक्ट, बोवाइन बेकॉन, टेल एड मार्कर, चिन बॉल मार्कर, हीट वॉच। फिर वेजाइनल रेजिस्टेंट मेजरमेंट, स्ट्रोन इज यूज टू डिटेक्ट चेंजेस इन वेजाइनल इम्पेडेंस। फिर एप्लीकेशन ऑफ यूएसजी, ये वरदान है गायनिकोलॉजी के लिए, क्योंकि हम इससे काफ़ी काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं, हम इसमें ओवरी और यूट्रस की नॉर्मल फिजियोलॉजी, उसकी पैथोलॉजी देख सकते हैं, हम प्रेगनेंसी को इवेल्युएट कर सकते हैं, उसकी नॉर्मल जेस्टेशनल फिजियोलॉजी देख सकते हैं, और बहुत सारा हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, इंटरवेंशन कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड ओवम पिकअप टेक्निक और IVF, एक्सप्रेशन ऑफ एमनियोटिक और फिटल फ्लूइड, तो काफ़ी यूजफुल टेक्निक है ये USG। फिर फ्री मार्टिन, फ्री मतलब स्टराइल, फ्री हो चुका है मतलब स्टराइल है वो, मार्टिन मतलब बोवाइन, इनफर्टाइल फीमेल विद मॉडिफाइड जेनेटिकल ट्रैक्ट बॉन्ड कोट, इवन विद MCQ भी आए थे इस पेपर में, वो काफ़ी अच्छी डेफिनेशन थी। इसमें क्या होता है, मेल फिटस के साथ इन फीमेल फिटस का ब्लड एक्सचेंज हो जाता है, जिस कारण फीमेल जो होती है वो स्टराइल ही होगी और मेल नॉर्मल होगा। तो फ्री मार्टिन क्या, एक डिस्टिंक्ट फॉर्म इंटरसेक्सुअलिटी विच अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ वस्कुलर एनास्टोमोसिस, आपको मैं फोटो में दिखाता हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा, ये काफी कॉमन है, ये वैसे कॉमन नहीं है, लेकिन अगर ये हो गया तो फीमेल हमेशा स्टराइल होगी। तो हमेशा जब भी आप, अगर ओनर आता है वो कहता है ये जो मेरी हिपर है हीट में नहीं आ रही, तो आप उसकी हिस्ट्री में जरूर पूछें कि ये जब ये पैदा हुआ था तो ट्विन हुआ था कि नहीं हुआ था। फिर हम मेजर क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट मेजर क्वेश्चन है,
write objective pregnancy diagnosis animal and discuss the various method for pregnancy diagnosis in farm animal. तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? इंप्रूविंग रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस, अर्लियर द प्रेगनेंसी डायग्नोस परफॉर्म मोर प्रॉफिटेबल इज रिटर्न फॉर डेयरी एंड काउ. मैनेजमेंट कर सकते हैं फीडिंग सेल, मॉनिटर डेवलपमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, कंफर्म ऑब्सेंस ऑफ ट्विन, मॉनिटर अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, इंप्रूव रिकॉर्ड कीपिंग डाटा, इन्फॉर्म डिसीजन ऑन इंडिविजुअल काउ. ये काफी सारे ऑब्जेक्टिव है, आपको याद करना पड़ेगा. फिर आप कैसे डायग्नोस करेंगे? तो दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट मेथड को क्लिनिकल मेथड भी कहते हैं, जिसमें ट्रांसरेक्टल पाल्पेशन, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी और एब्डोमिनल बेलोटमेंट. तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. ट्रांसरेक्टल पाल्पेशन में हमें पॉजिटिव साइन कब देखने को मिलेंगे? जब फीटल मेम्ब्रेन स्लिप हो रही हो, अमनेटिक वेसिकल, प्लासेंटम, फीटस, प्रीमेटस. ये कब कब देखने को मिलता है? अमनेटिक वेसिकल 32-65 डे, एसिमेट्रिक यूटराइन हॉर्न एंड फ्लक्चुएशन ऑफ यूटराइन कंटेंट 35-90 डे, पाल्पेशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन स्लिप 35-90 डे, फीटल बम, कोटिलेडोन, मिडल यूटराइन आर्टरी, फीटस एंड इट्स मूवमेंट. फिर एब्डोमिन बेलोटमेंट, ये सीप एंड गोड में यूज किया जाता है. फिर ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी, ये मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइम फॉर प्रेगनेंसी डायग्नोसिस यूजिंग अल्ट्रासोनोग्राफी विद हाई एक्यूरेसी इन कैटल, कैमल, बफेलो. अपीयर टू बी डे 28-30 डे यूजिंग ट्रांसरेक्टल लीनियर एरे प्रोब विद फ्रीक्वेंसी दिस. मतलब 28 से 30 दिन पे हम कर सकते हैं, तो अच्छा मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइम वही है. और इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज लेते हैं? 5-7.5 मेगाहर्ट्ज. और लेबोरेटरी मेथड में प्रोजेस्टेरोन एसे, बेस्ट ऑन एस्ट्रोजन, क्यूबनी टेस्ट, बायोलॉजिकल टेस्ट, एजे टेस्ट, टोड टेस्ट, फ्रीमेटिन, रैबिट टेस्ट. फिर अगला क्वेश्चन है, डिफाइन रिपीट ब्रीडिंग और डिस्कस द वेरियस मैनेजमेंटल एंड क्लिनिकल अप्रोच टू कंट्रोल रिपीट ब्रीडिंग इन बोवाइन. तो रिपीट ब्रीडिंग क्या होती है? ये डेफिनेशन भी आई थी इस पेपर में, इसी पेपर में. जब काउ और बफेलो का नॉर्मल स्ट्रेस साइकिल चल रहा हो लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही है, 3 से 4 या उससे भी ज्यादा हो चुका है, इंसेमिनेशन करा रहे हैं बार बार लेकिन कंसीव नहीं हो पा रही है. इसकी इटियोलॉजी मल्टीफैक्टोरियल होती है और ये सेकंड मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है. इसकी इटियोलॉजी जैसे जेनेटिक्स, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एनवायरमेंट, ओवेरियन फंक्शन, यूटरस. तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन फेलियर हो जाता है या फिर अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी, उसकी वजह से रिपीट ब्रीडिंग होती है. अब इसका कंट्रोल मैनेजमेंट की बात करें तो हम डिलेड ओवुलेशन को ठीक कर सकते हैं, एंडोमेट्राइटिस को ठीक कर सकते हैं. कैसे करते हैं? एक तो एनिमल को न्यूट्रिशन अच्छा दो, वो हमेशा पॉजिटिव न्यूट्रिटिव बैलेंस में होनी चाहिए. डू ए आई ट्वाइस एट ईच स्ट्रेस, प्रिफरेबली एट 12-24 आवर इंटरवल, 2 बार ए आई करो. चेक द सीमेन क्वालिटी, यूज ओनली हाई क्वालिटी सीमेन. क्लिटोरियल स्टिमुलेशन फॉर 3 सेकेंड एट ए आई. एडमिनिस्ट्रेटर 100 माइक्रोग्राम ऑफ जी एन आर एच एट टाइम ऑफ ए आई. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 500 मिलीग्राम ऑफ डिपो प्रोजेस्टेरोन ऑन 5th डे ऑफ ए आई. ये काफी अप्रोचेज हैं जिससे हम रिपीट ब्रीडिंग को रोक सकते हैं और ये करनी ही चाहिए. ट्रीटमेंट यूजिंग स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन प्रोग्राम, पेरेंटल एंटीबायोटिक इमीडिएटली आफ्टर इंसेमिनेशन, इंजेक्ट स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन डायग्राम इंट्रामस्कुलर. फिर स्कीपिंग ऑफ एआई और इंट्रायूटराइन इन्फ्यूजन ऑफ 1-1.5 मिलियन यूनिट ऑफ प्रोकेन पेनिसिलिन. ये सब फ्लशिंग ऑफ यूटरस विद नॉर्मल सेलाइन अंडर मॉडरेट प्रेशर इज बीइंग डन इन एम्ब्रियो ट्रांसफर. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट हार्मोन एंड एंटीबायोटिक में प्रेफरेबली बी ट्राइड एट सेपरेट डोसेस. ये था रिपीट ब्रीडिंग का मेजर क्वेश्चन. अब लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, राइट एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इन फार्म एनिमल और डिस्क्राइब कीजिए नॉन सर्जिकल मेथड ऑफ एम्ब्रियो कलेक्शन इन काउ. एडवांटेज क्या क्या है?
जो नेचुरल जो नॉर्मल काउ होती है वो पूरे जीवन भर में 8 से 10 काउस देती है, लेकिन हम एम्ब्रियो ट्रांसफर से हर साल उससे 32 एम्ब्रियो कलेक्ट कर सकते हैं। इटी से जेनेटिक पोटेंशियल बढ़ता है हर्ड का, वो भी कम समय में। इससे हम मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और भी सुपीरियर जेनेटिक्स फॉर फ्यूचर जनरेशन ड्यू टू एम्ब्रियो फ्रीजिंग। डिसएडवांटेज की बात करें तो इससे ये खर्चीला ज्यादा है, इंक्रीज एक्सपेंसेस, स्टड डिटेक्शन रिक्वायर्ड होती है और सिंक्रोनाइजेशन के लिए रेसिपिएंट विद डोनर अच्छा होना चाहिए, वो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए, ट्रेंड पर्सनल चाहिए, ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। फिर एम्ब्रियोनिक कलेक्शन, एम्ब्रियो कब कलेक्ट होते हैं? काउ में 7वें दिन पर, बफेलो में 6th डे पर और मेयर में 7th डे पर। यूजुअली नॉन सर्जिकल मेथड से ही कलेक्ट करते हैं, लेकिन जो स्मॉल रूमिनेंट है उसमें हम सर्जिकल और सेमी सर्जिकल मेथड भी यूज करते हैं। तो आप देख सकते हो ये फॉलीज कैथेटर है, इसमें बैलून इनलेट, वाई कनेक्टर, सर्विक्स के आप डायग्राम भी बना के आ सकते हो। ये आप देख सकते हो फ्लशिंग लिक्विड, फ्लश इन हो रहा है, फ्लश आउट। प्रोसीजर क्या होता है? देर आर टू मेथड ऑफ कलेक्शन, कंटिन्यूस फ्लो यूजिंग 3-वे एम्ब्रियो फ्लशिंग कैथेटर एंड द इंटरप्टेड टेक्निक यूजिंग 2-वे रस फॉले कैथेटर। द बल्ब ऑफ कैथेटर फिक्स्ड इन एंटीरियर 1/3 ऑफ हॉर्न, एम्ब्रियो आर फ्री फ्लोटिंग इन यूट्राइन ल्यूमेन एंड व्हेन यूट्राइन फ्लशिंग मीडियम DPBS विद एंटीबायोटिक एंड BS इज पास्ड इन द यूट्रस एंड कलेक्टेड बैक द एम्ब्रियो आर रिट्राइव इन मीडियम कलेक्टेड बैक फ्रॉम यूट्रस। ये था नॉन सर्जिकल प्रोसीजर फॉर एम्ब्रियो कलेक्शन। सो थैंक यू वेरी मच, आप इसको बार बार देखिए तभी आपको ये समझ में आएगा। वंस अगेन थैंक यू।